आप लोग देखते होंगे हमारे भारत देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। फसल पर भी जब भी फसलों की कटाई होती है उस समय भी आपको कई त्योहार देखने को मिलेंगे। आज ही देख लीजिए आप लोग, मकर संक्रांति जिसे अन्य नामों से भी जानते हैं आप अलग अलग राज्यों में, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग की विभिन्न त्योहार जो फसल कटाई के त्योहार हैं उनके बारे में जानते हैं। भारत में मकर संक्रांति, लोहिनी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पोष पर्व आदि के रूप में विभिन्न फसल कटाई त्योहार मनाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब फसल काट रही है महिलाएं, पुरुष भी काट रहे हैं, उस समय भी ये लोग गाना गाते रहते थे, त्योहार एक तरह से इनके मनते रहते हैं उस समय। आप समझ रहे हैं आप लोग, इसीलिए तो कहते हैं कि भारत एक तरह से आप कहिए कि स्वर्ग है। समझ रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है कि भारत की संस्कृति में एकता में विविधता भरी हुई है। आप देखते हैं कि दक्षिण भारत चले जाइए अलग त्योहार देखने को मिलेगा, उत्तर भारत जाइए आप पूर्वी भारत में जाइए, पश्चिमी भारत में जाइए, मध्य भारत में जाइए, आपको विभिन्न त्योहार देखने को मिल जाएंगे, विभिन्न कलाएं देखने को मिल जाएंगी। अगर मकर संक्रांति की बात करें हम लोग, तो मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है और जो सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए समर्पित होता है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से कुछ सालों पहले आप लोग जाइए, आपके घर में लड्डू बनते होंगे तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लड्डू बनाए जाते थे, लोग 15 15 20 20 दिन खा रहे हैं उन लड्डुओं को। आज कहाँ त्योहार बचे हुए हैं। आज तो आप लोग देखते हैं कि 2 4 दिन के लिए भी लड्डू नहीं बनते, कई घर आपको मिल जाएंगे जिनमें लड्डू ही नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा समय देखा है कि घरों में एक एक टंकी लड्डू भर लिए जाते थे, कई तरह के लड्डू बनाए जाते थे। आप जब नहाने जा रहे हैं, एक तरह से मकर संक्रांति का यही मतलब है कि आप सुबह से नहाइए, पूजा करिए, उसके बाद खाना जो भी लड्डू खाइए, तो तिली को बांट के, जो तिल आता है ना उसे बांट के लोग अपने शरीर पर लगाते थे, नहाने जाते थे। समझ रहे हैं आप लोग। और कई बार आप सुनते होंगे कि मकर संक्रांति लेने जा रहे हैं, इलाहाबाद जाते थे लोग, बनारस जाते थे। इस दिन लोग अपने पिछोर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं और यह त्योहार सूर्य के मकर मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक होता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति नाम दे दिया गया। यह दिन गर्मियों की शुरुआत और सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस दिन से हिंदुओं के लिए 6 महीने की शुभ अवधि की शुरुआत होती है। देखिए, मैंने जब कहा कि हिंदू त्योहार है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं मनाते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम भी कई ऐसे त्योहार हैं जो हिंदुओं के भी मनाते हैं। तो ऐसा कोई एक आप ये नहीं मत कहिए कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, ठीक है, कोई भी मना सकता है। उत्तरायण के आधिकारिक उत्सव के एक हिस्से के रूप में गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1989 से अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिए, कई बार आपका स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में, आपका सिविल सर्विस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछ ले क्वेश्चंस, ठीक है। और वैसे मैं कहता हूं कोई क्वेश्चंस ना बने फिर भी आपको मालूम तो होना चाहिए इनके बारे में। इस दिन के साथ जुड़े त्योहारों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जानते हैं। उत्तरायण, इसे गुजरात में इसे किस नाम से जानते हैं आप लोग, उत्तरायण। पोंगल, ये तमिलनाडु में से किस नाम से जानते हैं, पोंगल। असम में किस नाम से जानते हैं, भोगली बिहू। ये बिहू तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो कहाँ का त्योहार है, असम का। पंजाब और जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, लोहिनी, ठीक है, लोहरी। या फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, माघी। और कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं, मकर संक्रमणा, ठीक है। कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, सायन करात। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में आप लोग खिचड़ी पर्व के नाम से इसे जानते हैं, इस त्योहार को, ठीक है। लोहिनी की बात करें तो लोहिनी मुख्य रूप से सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है। किनके, सिख और यह है दिन शीत ऋतु की समाप्ति का प्रतीक है और पारंपरिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति से एक रात पहले मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रसाद वितरण और पूजा के दौरान अलाव के चारों ओर परिक्रमा की जाती है। इसे किसानों और फसलों का त्योहार भी कहते हैं आप लोग। इसके माध्यम से किसान ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर एक त्योहार आप सुनते हैं, पोंगल। पोंगल शब्द का अर्थ होता है उफान या फिर विप्लव। इसे थाई पोंगल के रूप में भी आप लोग जानते हैं। यह 4 दिवसीय उत्सव तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई माह में मनाया जाता है, जब धान आदि फसलों की कटाई की जाती है और लोग ईश्वर तथा भूमि की दानशीलता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस उत्सव के दौरान तमिल लोग चावल के आटे से अपने घरों के आगे कोलम नामक पारंपरिक रंगोली भी बनाते हैं। आप लोगों के यहाँ अगर मनाया जाता होगा तो आप लोग भी देखते होंगे।
फिर आप देखते हैं बिहू, यह उत्सव असम में फसलों की कटाई के समय मनाया जाता है। असमिया नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लोग रोंगाली यानी कि माघ बिहू मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रह्मपुत्र घाटी के लोगों ने जमीन पर हल चलाना शुरू किया। मान्यता यह भी है कि बिहू पर्व उतना ही पुराना है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आप सुनते हैं सबरीमाला में मकर विलक्कू उत्सव। ये सबरीमाला वही बात की जा रही है, आपने देखा होगा महिलाओं को प्रवेश यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं थी, फिर आपने देखा है कि हमारे न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया, अब महिलाओं की भी यहाँ एंट्री हो चुकी है। एक तरह से मुझे यही समझ में नहीं आता है कि आप सोचिए कि जिस महिला ने हम लोगों को बनाया, हम लोगों को जन्म दिया, वो अछूत हो गई, और जो पंडित जी वहां पूजा कर रहे हैं, जो महिला से एक तरह से पैदा हुए हैं, वो शुद्ध हो गए। ये कहाँ का नियम है, कौन ये नियम बनाता है, मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। तो आप समझिए कि सीधी सी बात कि जो माता हमें जन्म दे रही है, या भाई बहन कोई भी आप समझिए, माता हो सकती है, कोई बेटा है अगर, तो उसकी माँ तो होगी, पंडित जी अगर वहां बैठे हुए तो पंडित जी की भी तो माँ होगी। अगर वो जन्म ना देती पंडित जी को, तो पंडित जी कहाँ से धर्म गुरु आते हैं। आप समझिए कि हम लोग बहुत अंधविश्वासों से बाहर निकल चुके हैं, वरना ये धर्म गुरु जो भी हुआ करते थे, ये बड़ा हम लोगों को भ्रमित रखते थे और हमें एक दूसरे से लड़ाते रहते थे। आज भी आप देखते होंगे कि इस तरह के काम चलते रहते हैं। यह सबरीमाला में भगवान अयप्पा की पवित्र उपवन में मनाया जाता है। यह वार्षिक उत्सव है और 7 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मकर संक्रांति, जब सूर्य ग्रीष्म में आयनांद में प्रवेश करता है, के दिन से होती है। त्योहार का मुख्य आकर्षण मकर ज्योति की उपस्थिति है, जो एक आकाशीय तारा है, तथा मकर संक्रांति के दिन कांतामाला पहाड़ियों के ऊपर दिखाई देता है। मकर मकर विलक्कू ग्रोथी नामक अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है। यह उत्सव वनों के देवता तथा वन देवियों को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो ये कुछ आपके त्योहार हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ये त्योहार बिहू तो कई बार मैं बता चुका हूँ कि आ चुका है, क्वेश्चंस कहाँ से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए। ये आपका असम से, देखिए ये है आपका असम, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी राज्यों को आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह के भी आने लगे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में एपीपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्वेश्चंस बन गए हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या फिर ऑप्शन दे देगा कि मध्य प्रदेश की सीमा इन राज्यों में से किसमें से नहीं लगती है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से लगती है, उत्तर प्रदेश से, यानी कि 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। या फिर आपसे पूछ ले कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है हमारी, तो आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ सिक्किम, और यहाँ आपको पश्चिम बंगाल की भी देखने को सीमा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बारे में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिए, और मैं तो कहता हूँ कंठस्थ याद हो जाना चाहिए आपको। कंठस्थ आप देखते हैं आरती रट लेता है, कोई हनुमान चालीसा रट लेता है, तो आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही आपके लिए हनुमान चालीसा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस क्या हुए कि आते हैं तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।